ये गैस और बाजू में फ्रिज खड़ा कर दिया आपने, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। थर्डली साउथ, साउथ हमारा बेडरूम के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। साउथ में अगर बेडरूम बना हुआ होता है तो आदमी की जीवन में सुख शांति रहती है, नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है, सुकून रहता है, कितना भी कुछ हो आदमी सुकून में रहता है। दूसरा क्या है कि साउथ आपकी प्रसिद्धि को ही बढ़ाता है, फेम को ही बढ़ाता है, आपका जो यश होता है, जो एक आपका नेम फेम होना चाहिए वो भी साउथ बढ़ाता है, ठीक है। और साउथ आपको हिम्मत भी देता है, ताकत भी देता है, हिम्मत भी देता है, करेज देता है काम करने का। साउथ इज गुड फॉर बेडरूम। स्टेयर के साउथ में बनी बहुत अच्छी होती है, जिनके यहाँ भी स्टेयर के साउथ में होगी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उनके काम लंबे समय तक चलते हैं। जैसे कोई कोई लोग तो होते हैं कि आपने देखा होगा कि 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, अभी देखते हो इनकी तो फैमिली ऐसी ही है, जैसी ग्रो कर रही थी वैसी हो रही है। कुछ लोगों का आप देखते हो कि किसी ने कोई काम करा, कोई किसी का 5 साल चला, किसी का 10 साल चला, पता लगा वो नीचे आ गए, डाउन हो गए, ठीक है, एक सर्टेन बस पीरियड तक चला, उसके आदमी को कोई कुछ नहीं हुआ, तो यानी कि उनका साउथ साउथ में डिस्टर्ब हुआ होगा, तभी उनके साथ प्रॉब्लम आई। तो स्टोर रूम के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपका स्टोर रूम साउथ में बना हुआ है तो भी आपको सपोर्ट करता है, आपकी लाइफ को बैलेंस करता है। यानी कि अगर मैं नेट सेल में कहूँ तो साउथ और साउथ वेस्ट आपका जितना भारी होगा, जितना हैवी होगा, उतना आपको फायदा देगा। इसलिए कोशिश करिए कि आपके जो घर का साउथ है, ठीक है, जो भी आपके साउथ है उसको कभी भी खाली मत छोड़िएगा। आपका कुछ नहीं है तो आप एक कबाट खड़ी कर दीजिए, कुछ भी नहीं है तो आप प्लांटर लगा दीजिए। जैसे कई बार अपन क्या होता है साउथ में बालकनी आ गई, हैवी चीज रखनी है, बेलकनी आ गई तो बेलकनी को अपन ने खाली छोड़ दिया, वो नुकसान करेगी। ये कवर्ड होगी, जितनी जितनी भारी होगी उतना आपको फायदा देगी। आपको अगर चमत्कार वाली चीज देखनी है तो साउथ में जाके और साउथ वेस्ट में जाके एक अलमारी खड़ी कर देना भारी सी, फिर एक महीने के बाद बताना मेरे को कि आपको क्या लगा, आप खुद देखोगे ऑटोमेटिकली चीजें बेटर होती। देन कम साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो होता है वो हमारा मास्टर बेडरूम की प्लेस होती है। मास्टर बेडरूम मीन्स बेडरूम ऑफ द ओनर, जो भी घर की मुखिया है, जो भी बड़े हैं, तो उनके उनका बेडरूम यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पर अगर बेडरूम होता है तो उससे ये बेनिफिट होता है, एक तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, दूसरे क्या होता है आपकी डिसीजनिंग स्ट्रांग होती है ना, आप जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन सही होते हैं आपके, और वो डिसीजन दूसरे पे अच्छा इम्पैक्ट भी डालते हैं, आपकी लाइफ के लिए भी अच्छे होते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, ये डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम होता है या आपका ऑफिस होता है, अगर आप अपने ऑफिस में भी डायरेक्शन बैठते हो तो आपके सामने वाले पे आपके इम्पैक्ट अच्छा जाता है, आप इन्फ्लुएंस कर पाते हो उसको, उसको अपनी बात समझा पाते हो, वो आपकी बात मानता है। अगर यहाँ पे बैठने के बाद आप वो आपका हमेशा अपर हैंड रहेगा, सामने वाले का लोअर हैंड रहेगा, आप उस पर हावी हो जाओगे, वो आप पे हावी कभी नहीं रखता। ऐसे लोगों को कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाता सभी जो यहाँ पे रहते हैं। इसीलिए ये मास्टर बेडरूम होना चाहिए या ऑफिस होना चाहिए, ये यहाँ पर ही होना चाहिए। दूसरा वार्डरोब्स, आपकी जो भी कबर्ड्स हैं जो भी है वो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। ड्रेसिंग रूम भी कबर्ड्स ही होती हैं, है ना, वो यहाँ पर हो सकता है। हैवी आइटम्स जो भी भारी भारी चीज़ें हैं वो सब आपको यही रखनी है। देन स्टेयर केस ब्लॉक, जो स्टेयर केस होती हैं वो साउथ वेस्ट में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि स्टेयर केस जो होती है एक वेटेड चीज़ होती है, वजनदार चीज़ होती है। दूसरा क्या है, स्टेयर केस ऊपर तक जाती है, हाइट तक जाती है, मैक्सिमम हाइट तक जाती है, तो ये हमें दो चीज़ें देती है, एक तो वजन और एक हाइट। ये वाला जो पार्ट होता है ये सबसे ज़्यादा ऊँचा और सबसे ज़्यादा भारी होता है, छोटी द हाइएस्ट एंड द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ एंटायर बिल्डिंग। अगर ये पार्ट हमने ऊंचा और भारी कर दिया तो हमारी सक्सेस जो होती है वो 100% श्योर हो जाती है। कौन लोग लड़खड़ाते हैं अपने जीवन में, किनके जीवन में परेशानी आती है, अप डाउन किनके जीवन में आते हैं, जिनका साउथ वेस्ट खराब होता है, डाउन होता है या हल्का होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में ऊपर वाले की मेहरबानी होती तो अलग मैटर है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अदरवाइज ऐसे लोग अपने जीवन